Education for Human Greatness. How are you all? तो आज हम करने लगे हैं सेट जो कि चैप्टर वन है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर टू जो है आज हम करेंगे. तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है. तो गाइस क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास गिवन है कि ए इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी मीन्स के जो सेट्स ए है वो हमारे पास गिवन है क्या ए बी सी डी मीन्स ए बी सी डी जो है वो इसके एलिमेंट्स है. सेट बी जो गिवन है बी डी एफ एंड सेट सी इज सी डी ई एफ जी. एंड आगे कहा गया है कि देन फाइंड ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी. तो गाइस जब हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों में देखेंगे कि दो सेट्स में जो है ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है. तो हमें ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में क्लोज है उसे सबसे पहले सॉल्व करना. ठीक है गाइस. तो क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना रहे होते हैं और आपका बेसिक्स क्लियर है तो सबसे पहले जो है हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं. तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है वो लिखते हैं. जिससे हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसके आगे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क ताकि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे और कोई भी देखे तो बोले हाँ ये काम हुआ है 100% बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और सही भी है. तो फिर गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है. तो आगे चलते हैं कि सेट ए हमारे पास गिवन है बी गिवन है सी. तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे. तो गाइस यूनियन किस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं. यूनियन में जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं उसको रिपीट नहीं करते और वन टाइम लिख देते. तो यहाँ पे क्योंकि हमें बी यूनियन सी की यूनियन फाइंड आउट करनी है तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या है. सेट्स बी जो है गिवन है बी डी ई एफ एंड सेट सी इज सी डी ई एफ. तो गाइस जब हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करें या किसी भी सेट से यूनियन फाइंड आउट करें तो मैं दोबारा कह चुकी हूँ कि रिपीटेड एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो है रिपीटेड एलिमेंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो है डी ई एफ. तो हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे. जैसे कि अगर बी यूनियन सी का मैं कह रही हूँ यूनियन निकाल लें ठीक है इन दोनों के यूनियन फाइंड आउट करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए. आप भी सोचिए मैं भी बता दूँ. इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जैसे कि यहाँ पे क्योंकि मैंने कह दिया है कि डी एफ इक्वल है तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बी सी डी ई एफ जी. ठीक है मीन्स कि डी ई एफ को मैंने दोबारा नहीं लिखा मैंने बस फर्स्ट टाइम लिख दिया और ओके कर दिया कि जी ये हमारा आंसर है. तो अब हम चलते हैं कि अब हमें कम्प्लीटली क्या फाइंड आउट करना था. हमें फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी यूनियन सी. तो इसको दोबारा हम लिख देंगे. ठीक है गाइस इसको दोबारा लिखेंगे कि किस तरह लिखेंगे ए यूनियन अंडर ब्रैकेट यूनियन सी. तो पहले हम सेट्स ए लिख देंगे एंड देन यूनियन का जो सिंबल है वो लिखेंगे एंड देन क्योंकि बी यूनियन सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है गाइस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बी यूनियन सी तो यहाँ से जो है हम बी यूनियन सी लिख देंगे. बी यूनियन सी हमारा क्या है बी सी डी ई एफ जी. ये हमने खुद फाइंड आउट किया है और बिल्कुल सही किया है. तो जब हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी. क्योंकि हमें रिपीटेड एलिमेंट दोबारा नहीं लिखने तो यहाँ पे भी हमें रिपीटेड एलिमेंट नज़र आ रहे हैं बी सी डी तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे. इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आ रहा है वो आगे हमारे पास. ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू हम करने लगे हैं सॉल्व. क्वेश्चन नंबर टू में क्या फाइंड आउट करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी. तो गाइस पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देंगे एंड देन ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा फिर इसका जो है सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर देंगे. किस तरह फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाई स्टेप करेंगे क्योंकि मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दी एंड देन दोबारा से वो क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए. तो गाइस जो है हम सबसे पहले जो है इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी. तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ रहा है बी डी जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं उसको लिख रहे होते हैं हम दरअसल इंटरसेक्शन में. तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है बी एंड डी. अब जो है हम फाइंड आउट करने लगे हैं ये पूरा कम्प्लीट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो इंटरसेक्शन बी क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो सिंपल क्या करना है सिंपल ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख देंगे बी एंड डी एंड देन सेट सी हमें पता है सेट सी क्या है सेट सी गिवन है सी डी ई एफ जी. तो हम क्या लिख करेंगे हम लिख देंगे कि सी डी ई एफ जी हमारे पास सी के एलिमेंट्स थे तो अब इन दोनों के जो इंटरसेक्शन आएंगे वो क्या आएंगे दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट है वो डी है. तो इसका
हमने जो है ब्रैकेट का काम करेंगे, सेक्शन की हेडिंग लगा दिया हमने, एंड देन हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। एंड इंटरसेक्शन बी क्या आएगा गाइस, आप सोचे मैं तो बताऊंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने लगे हैं हम, और इंटरसेक्शन बी हमारा जो आ रहा है, तो गाइस इंटरसेक्शन बी जो है हमारा आ रहा है क्या आएगा, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करनी है और ए की जगह हमने साइड से ए लिख दिया एंड बी लिख दिया, तो इन दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट है वो बी एंड डी है। तो इसका आंसर आ गया बी एंड डी। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो गाइस जब ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं, तो इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास गिवन था, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है, गिवन नहीं था सॉरी, फाइंड आउट किया है, और बी डी आया है, ठीक है। एंड यूनियन का सैम्पल लगा के हम जो है सेट सी लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या करना है, सिमिलर यूनियन क्योंकि फाइंड आउट करना है तो सिमिलर एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे और इसको एक ऑर्डर में इसका आंसर लिख देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी सी डी ई एफ जी, ठीक है गाइस। क्यों आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटेड एलिमेंट है वो डी है और इसे हमने दोबारा नहीं लिखना है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, अगर हम इसको किसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा बी सी डी ई एफ जी। तो ले भाई आ गया ये हमारा आंसर, और अब हम जो है करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सॉरी प्रूफ वाले क्वेश्चन इसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे दो ब्रैकेट गिवन है दोनों साइड्स यूनियन के। तो गाइस यहाँ पे जो है आप ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट कर लो या ए इंटरसेक्शन सी, इट्स अप टू यू। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने जो है पहले क्योंकि इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया है, ताकि काम आगे पीछे ना हो, आप किसी सिक्वेंस में काम लेके चलती है ना, तो आपको हर चीज़ें याद रहती है कि हाँ हमने इसके बाद इसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे एंड ए इंटरसेक्शन सी, अलग अलग दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन इन दोनों का जो है यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देंगे और हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास सेट्स ए भी गिवन है, सेट्स बी भी गिवन है, तो हमने इन दोनों की जगह क्या लिख देना है, इन दोनों की जगह इन सेट्स के नाम एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया इस तरह, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी में हमें जो सिमिलर एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी जो है आगे हमारे पास आंसर है बी डी, और ए इंटरसेक्शन सी हम निकालने लगे। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा गाइस, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास आ जाएगा सी एंड डी। अब क्या करना है, क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें इन दोनों के यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम सेट्स को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर हमारे पास जो है इसका यूनियन आ जाएगा बी सी डी, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर जो आ गया हमारे पास बी सी डी, क्योंकि मैं यहाँ पर डी लिखना भूल गई हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल जो आंसर आएगा वो बी सी डी आएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम करने लगे हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो है प्रूफ वाले क्वेश्चन से, जो एग्जाम्स में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, तो चले देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो पार्ट बी है, उसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है प्रूफ करने को कहा गया है कि ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो गाइस अगर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें, तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन का चेंज है, पोजीशन वही है, बस ब्रैकेट जो है इस तरफ जो है बी यूनियन सी पे है और इस तरफ ए यूनियन बी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले बस ज़हन नशी कर लें कि यूनियन को मालूम करना हो या इंटरसेक्शन, दोनों में अगर ब्रैकेट डिफरेंट जगहों पे लग रही हो और तीनों सेम एलिमेंट, तो आंसर सेम आता है। तो हम जो है क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आमने सामने रख दिया है, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें। ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने, क्योंकि सारा काम वही है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे डबल काम करना पड़ रहा है, आपको इक्वल लाना है। इस तरफ जो है मैंने फाइंड आउट पहले बी यूनियन सी किया है एंड देन ए यूनियन बी यूनियन सी, एज वेल आपको फाइंड आउट करने आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। और राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, तो राइट हैंड साइड पे मैंने पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है एंड देन यूनियन सी, लेकिन दोनों के जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं, और ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। आगे भी प्रूफ वाले क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, सॉल्व आपने खुद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड आउट हमें करना है सेम वही काम है, बस यहाँ उस वाले क्वेश्चन में जो है हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी वही करना है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जो ब्रैकेट में है उसे हम पहले फाइंड आउट
साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे हो जाता है प्रूफ। तो अब हम करने लगे हैं आगे क्वेश्चंस, तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट ए यूनियन सी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे एंड देन ए यूनियन बी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। एंड राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और फिर इनके आंसर आने के बाद इसका जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो गाइस दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये सेम आएगा, ये आप सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने भी सॉल्व करके आपको बता दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे वीडियो पे आके दोबारा देख सकते हैं कि मैंने किस तरह सॉल्व किया है। तो गाइस ये हो जाता है यहाँ पे प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे हो जाता है प्रूफ। तो गाइस अब हम करने लगे हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी जो है इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम करने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों अलग अलग सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे एंड देन ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी सी डी। एंड देन राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में पहले हमें इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करनी है और फिर इन दोनों के जो है यूनियन फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है बी डी और ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है सी डी, और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है बी सी डी, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव है। थैंक यू सो मच गाइस।